सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने गैलेक्सी नोट 7 के प्रोडक्शन को कुछ समय के लिए रोक दिया है। इसकी वजह रिप्लेसमेंट वाले डिवाइस में आग लगने, फटने और ओवरहीटिंग जैसी प्रॉब्लम्स बताई जा रही है। इसको लेकर एक वीडियो भी सामने आया है जो इन दिनों यूट्यूब पर काफी देखा जा रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि बर्गर किंग नामक रेस्टोरेंट चेन के एक आउटलेट में जल रहे इस फोन को कैसे बर्गर किंग की एम्प्लॉय टेबल से हटाने की कोशिश कर रही है। इस एम्प्लॉय ने हाथ में हीट रेजिस्टेंट दस्ताने पहने हुए हैं। इस फोन से धुआं निकल रहा है और वह इसे हाथ मारकर बुझाने की कोशिश कर रही है और टेबल से हटाने की कोशिश की जा रही है। ये आप वीडियो में साफ देख सकते हैं। इस वीडियो को 10 लाख बार देखा जा चुका है और इन्हीं घटनाओं के मद्देनजर सैमसंग ने अपने गैलेक्सी नोट 7 स्मार्टफोन का उत्पादन बंद करने का ऐलान कर दिया है। दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल निर्माता ने सितंबर की शुरुआत में इस फोन को दुनिया भर से रिकॉल किया था। इस कदम के बाद कंपनी की फजीहत और ज्यादा उस समय हुई जब रिप्लेसमेंट के तौर पर दिए गए फोन्स की भी आग पकड़ने की घटनाएं सामने आने लगी। 19 अगस्त को मार्केट में उतारा गया फोन गैलेक्सी नोट 7 अब कंपनी के लिए फजीहत बन गया है। आग लगने की कई घटनाओं को देखते हुए अब कंपनी ने इसके प्रोडक्शन को कुछ समय के लिए रोकने का फैसला लिया है। देखते रहिए टीवी लाइव।